सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो जायाणं। ओम नमो लोए सवसाहुणं, एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयरियाणं, ओम नमो उवजा मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलाचरण पाठ। अहो सत्पुरुषना वचनामृत मुद्रा अने सत्समागम सुषुप्त चेतन ने जागृत करनार, पड़ती वृत्ति ने स्थिर राखनार, दर्शन मात्र थी पण निर्दोष, अपूर्व स्वभाव ने प्रेरक, स्वरूप प्रतीति, अप्रमत्त संयम अने पूर्ण वितराग निर्विकल्प स्वभावना कारणभूत, छेल्ले अयोगी स्वभाव प्रगट करी अनंत अव्याबाध स्वरूप में स्थिति करावनार त्रिकाल जयवंत वर्तो। ओम शांति शांति शांति। सामायिक संकल्प सूत्र। सहजात्म स्वरूप परम गुरु अनन्य शरण ना आपनार एवा हे परम कृपाळु देव, आपना चरण में अत्यंत भक्ति थी नमस्कार करी अमो आपनी साक्षीए संसारना सर्व प्रकारना पाप व्यापारनो परित्याग करी बे घड़ीना नियम थी एक ज आसने बेसी सामायिक भावे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय अने योग ते संबंधी मन, वचन अने काया थकी थयेला सर्व पाप अपराध अने अतिचार दोषनी निंदा, गर्हा तथा आलोचना द्वारा भाव प्रतिक्रमण करवानो संकल्प करीए छीए अने ते हेतुए सामायिक माटे आपनी आज्ञा, आदेश अने अनुग्रहनी याचना करीए छीए। ओम शांति। स्व आलोचना पद सौ साथे लेशु। हे प्रभु शुं कहूं, दीनानाथ दयाळ, हूँ तो दोष अनंतनु, भाजन छूं करुणाळ, शुद्ध भाव मुझमा नथी, सर्व तुझ रूप, नथी लघुता के दीनता, शूं कहूं परम स्वरूप, नथी आज्ञा गुरुदेवनी, अचड़ करी उरमाय, आपतनो विश्वास दृढ़, ने परमादरनाय, जो सेवा जोग, केवल अर्पणता आश्रयानुयो हूँ पामर शू करी शकू एवो नथी विवेक चरण शरण धीरज नथी मरण सुधीनी छे अचिंत्य तुझ महात्म्यनो नथी प्रफुल्लित भाव अंशन एके स्नेहनो नमणे परम प्रभाव अचर रूप आसक्ति नहीं नहीं विरहनो ताप कथा अलभ तुझ प्रेमनी नहीं तेनो परिता भक्ति मार्ग प्रवेश नहीं नहीं भजन दृढ़ भान समझ नहीं निज धर्मनि नहीं शुभ देशे स्थान काल दोष कड़िति थयो नहीं मर्यादा धर्म तोय नहीं व्याकुलता जुओ प्रभु मुझ कर सेवा ने प्रतिकूल जे ते बंधन नथी त्याग देहेन्द्रिय माने नहीं करे बाह्य परराग तुझ वियोग सुरतो नथी वचन नयन यमना नहीं उदासन भक्त थी तेम गृहादिक माय अहम भाव थी रहित नहीं स्वधर्म संचयनाय नथी निवृत्ति निरमण सदगुणपण मुख बतावुषु केवल करुणा मूर्ति जो दीनबंधु दीननाथ पापी परम अनाथ छू ग्रहो संत चरण आश्रय शतो तरिये कोण उपाय अधमाधम अधिको पति सकल जगत माहू ए निश्चय आव्या विना साधन कर शेषु पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे फरी फरी मागुए सदगुरु संत स्वरूप तू ए दृढ़ता करी आवश्यक बीजू 24 चिनेश्वर स्तुति सौ समूहमां लेशुं लोगस पाठ सांभळवानो छे 24 स्तवन पण बधा जे प्रमाणे शरू करावे ते प्रमाणे साथे तुभ्यां नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यां नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय नाम स्तव स्तोत्र लोगसपाठ लोगस उजोगरे धम्मतिथय अरे जीणे अरिहंते कित्त इसम 24 केवली उसभम अजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम सुमयिम च पौपम सुपासम झीणम च चंदपम वंदे सुविं च पुफ्फदंत सियल सीजन स वासुपूजन च विमलम अनंत च जीणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथु अरंच मल्ली वंदे मुनिसूव्यम नमी जीणम च वंदामि रिठ्ठनेमि पासम तह वधमाणम च एवमये अभिथुया विहुय रैमल्ला पैण झरमणा 24 जीणवरा तिथयरा मे पसियंतु कित्तीय वंदीय मय्या जेय लोगस उत्तमा सिद्धा आरुग बोहि लाभम समायवर मुत्तम दिंतु चंदेसु निमलैरा आई चेसु अयम पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदि संतु जय तीर्थंकर जय हरिहं जय जय जिनवर जय भगवन् जय आदिश्वर ऋषभ जिनं भजिने करिये भवनो अजितनाथ श्री संभवनाथ श्री अभिनंदन सुमतिनाथ पद्मप्रभ जिनने समरो सुपार्श्व स्वामी ध्यानधरो जिनेश अनंतनाथ नमो दिव्य दिनेश धर्मनाथ श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ जय जय अरनाथ मल्लिनाथ मुनि सुव्रत जिनं नमीनाथ जिनवर सुखकं अरिष्टनेमि दीनानाथ दुखहर सुखकर पारसनाथ जय महावीर जय भगवान शासन नायक कर कल्याण आवश्यक આવશ્યક ત્રીજું વંદન વાંદણ્યા, ગુરુવંદન સ્તુતિ અને ગુરુવંદન સ્તુતિની ગાથાઓ બધા સાથે લેશું. ગદ્યપાઠ સાંભળવાનો છે. જેની કાયા પ્રશમ જરતી સૌખ્યા परात्पर गुरुवे नमः, परम पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः. जे स्वरूप समझ्या विना पाम्यो जय जय गुरुदेव सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इच्छामी खमा समणो वंदियु जावणी जाय निसिहि आये मथेण वंदामी. परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखधाम जेणे सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इच्छामी खमा समणो वंदियु जावणी जाय निसिहि आये मथेण वंदामी. देह छता जेनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इच्छामी खमा समणो वंदियु जावणी जाय निसिहि आये मथेण वंदामी. ओम नमोस्तु 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 शरणं 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 त्रिकाल शरणं भवो भव शरणं सद्गुरु शरणं सदा सर्वदा त्रिविध त्रिविध भाव वंदन हो विनय वंदन हो समयात्मक वंदन हो। ओम नमोस्तु जय गुरुदेव शांति परम तारु परम सज्जन परम हेतु परम दयाड़ परम मयाड़ परम कृपाड़ वाणी सुरसाड़ अति सुकुमार जीव दया प्रतिपाड़ कर्म शत्रु ना काढ़ माहणो माहणो शब्द ना करनार आपके चरण कमल में मेरा मस्तक आपके चरण कमल मेरे हृदय कमल में अखंडपणे संस्थापित रहे सत्पुरुषों का सत्स्वरूप मेरे चित्तवृत्ति के पट पर टंकोत्कीर्णवत् सदोदित जयवंत रहे आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरो नित्यमहं नमामि। आवश्यक चौथू प्रतिक्रमण जीव राशि खामणा पाठ 14 राजलोकना संसार परिभ्रमणनी 4 गति 24 दंडक अने 84 लाख जीवायोने विशेषतः 7 लाख पृथ्वीकाय 7 लाख अपकाय 7 लाख देवकाय 7 लाख वावकाय 10 लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय 14 लाख साधारण वनस्पतिकाय 2 लाख बेइंद्रिय 2 लाख तेन्द्रिय 2 लाख चौरेन्द्रिय 4 लाख देवता 4 लाख नारकी 4 लाख तिर्यंच पंचेन्द्रिय 14 लाख मनुष्य एवं कार्य हे नाथ आ 84 लाख जीवायोनी माहेनी समस्त जीवराशि पैकी कोई पण जीवनी मारा जीवे संरंभ समारंभ के आरंभे करी मन वचन अने कायाए करी अवज्ञा आशातना के विराधना करी होय परितापना किलामणा के दुभवणी कीधी होय कोई पण जीवने छेदिया होय भेदिया होय के कोई जीवने हणियो होय हणाव्यो होय के हणताने अनुमोदियो होय ते सवी हूँ मन वचन कायाए करी अंतःकरणपूर्वक अनंता सिद्ध अरिहंत केवड़ी भगवंतनी साक्षीए खमावू छूं वारंवार मिच्छामि दुक्कडम मारा ते सगड़ा दोष दूषण अने दुष्कृत्यो मिथ्या थाओ तस् मिच्छामि दुक्कडम। 18 पापस्थानक आलोचना पाठ पहले प्राणातिपात हिंसा पौर जीवना प्राण संबंधी घात वध चिंतवो हणवो ते बीजे मृषावाद असत्य झूठ खोटू बोलवाना परिणाम थवा झूठू बोलवू ते त्रीजे अदत्तादान चोरी पारकी वस्तु तेना मालिकनी सम्मति के जाण विना लई लेवानी वृत्ति थवी तत्संबंधी प्रवृत्ति करवी ते चौथे मैथुन अब्रह्मचर्य काम भोग विषय तणी वांछारू परिणाम थवा अब्रह्मनु सेवन करवू ते पांचमे परिग्रह मूर्छा पर भाव पर पदार्थ तेमज पर वस्तु आदिना भोग उपभोग अने संग्रह संबंधी वांछा अथवा मूर्छा थवी संग्रह करवो ते छठे क्रोध गुस्सो पर प्रत्येना तीव्र विषम परिणामे कुरूप भावथी शरीरना मुखादी अवयव ग्लानियुक्त आक्रोशथी कंपायमान अगर तपायमान थवाते सातमे मान अहंकार प्राप्त वा अप्राप्त वस्तु पदार्थ रिद्धि सिद्धि लब्धि ऐश्वर्य मद आदि विषे अहंकार थवोते आठमे माया कपट स्वार्थ सिद्धि माटे छळ कपट प्रपंच आदि करवाते नवमे लोभ असंतोष धनादि संपत्ति मेळवी के तेना संग्रहनी लालसा तृष्णानी मनोवृत्तिपूर्वक संग्रह कर्या करवो ते दसमे राग मनगमता परपदार्थ तेमज जीवादी उपर आसक्तिपूर्वक प्रीति थवी ते 11मे द्वेष अप्रीति अणगमता परपदार्थ तेमज जीवादी उपर घृणापूर्वक अरुचि अप्रीति तिरस्कार थवो ते 12मे कलह कजियो परनी साथे विखवाद कजियो झगड़ो करवानी वृत्तिथी कंकास करवो ते 13मे अभ्याख्यान मिथ्यारोपण अन्य जीव पर अछता खोटा आड़ चढ़ावा के दोषनु मिथ्यारोपण करवू ते 14मे पैशून्य चाड़ी पर जीवना दोष संबंधी चाड़ी चुगली करवी ते 15मे रति अरति गमो अणगमो मनगमता इंद्रियोना विषयों तेमज सुखद प्रसंगों में हर्ष करवो उल्लासित थवू ते रति अने अणगमता इंद्रियोना विषयों तेमज दुखद प्रसंगों में शोक करवो गमगीन थवू ते अरति सोळ में परपरिवाद निंदा, पौरनी निंदा करवी, अवर्णवाद वा अवगुण बोलवाते। 17 में माया मृषावाद, कपट युक्त झूठ, अन्य साथे छळ कपटना हेतुथी कपट सहित झूठू बोलवू आचरवू ते। 18 में मिथ्यात्व शल्य कुश्रद्धा, सर्वज्ञ वितराग जिनेश्वर देवना मार्गमा शंका कुशंका विपरीत प्ररूपणा आदिथी विराधना करवी अने कुदेव कुगुरु अने कुधर्म सेववानी अभिलाषा करवी ते। एवं कारे हे नाथ, आ 18 पापस्थानक माहे मारा जीवे जे कोई पाप सेव्यू होय, सेवराव्यू होय, सेवताने अनुमोद्यू होय ते सवी हूँ मन वचन कायाए करी अंतःकरणपूर्वक अनंता सिद्ध अरिहंत केवड़ी भगवंतनी साक्षीए खमावू छूं। वारंवार मिच्छामि दुक्कडम, मारा ते सगड़ा दोष दूषण अने दुष्कृत्यो मिथ्या थाओ, तस् मिच्छामि दुक्कडम। अनंतानुबंधी 4 कषाय तथा 5 अणुव्रत संबंधी पापोनी अंतरालोचना। परम देवनो देव तू खरो, धर्मता हरो में नथी कर्यो, भरम मां भम्यो तू नवी गम्यो, करम पाशमा हूँ अति दम्यो, कुरूप भावथी क्रोध में कर्यो, सजन दुभवी रोष मारह्यो, स्वजन बंधु थी संपतोड़ियो, तृष्णा लोभ थी तुच्छ हूँ थयो, प्रपंच चित थी मैं बहु कर्यो, माईक भाव मां हूँ अति रम्यो, मद छके चढ़्यो मान माड्यो, विनय ना कर्यो गर्व मां पड्यो, गरीब प्राणीना प्राण में हण्या, त्रसने स्थावरो भेदना गण्या, थरर द्रुजता मोत थी डरी, अरे रे हनी घात में करी, धर्म स्थान जई झूठ बोलिया, धर्मी जीवना मर्म भेदिया, सदगुणी शिरे आड़ पिया, अरे रे पापना पंथ था पिया, आदत दान थी हूँ नहीं डर्यो, परधन हरि केर में कर्यो, तस्करी तणा तान मां चढ़्यो, अरे रे पापना पूंज मां पड्यो, रमणी संगमा अंग उलस्यू, विषय सुखमा चित डूबस्यू, शियड़ भंगनो दोष ना गण्यो, अरे रे हाय रे बावरो बन्यो, वस्तु भोगनी वांछना कीधी, धन परिग्रहनी प्रीति बहु करी, ममत भावथी अंध हूँ बन्यो, अधम पापथी हूँ न डर्यो, अथिर भाव मां हूँ रह्यो अड़ी, धर्म वात तो चीतना चढ़ी, उद्यत मोहमा हूँ थयो थशे गति तुझ विना नथी कोई माहरू नाथ सांभडो कथन आखरो हे तथी ग्रहो हाथ माहरो नथी हवे मने कोई आशरो जीवन नावड़ी नाथ तारजे भवो दधी थकी तू उगारजे कृपाड़ु देव तू तू दयानिधि शरण आपजे हे क्षमा निधि। आश्रव कर्मबंधना हेतुओनी वीरमण भावनाओं मोक्ष पदना हेतुरूप बोधिबीज एटले के सम्यक्त्वनी प्राप्ति तथा संवर अने निर्जरा माटे जीवना अनंत संसारना हेतुरूप आश्रव अने कर्मबंधना पांच मुख्य कारणों पहलू मिथ्यात्व, बीजू अविरति, तीजू प्रमाद, चौथू कषाय अने पांचमू योग तेना विरमणनी भावनाओ भावू छूं। पहलू मिथ्यात्व विरमण अनंत काळथी पोताने पोता विशेनी ज भ्रांति रही गई है। जीव पोताने भूली गयो छे, पोतानुं ज सत्स्वरूप तेने भानमां आवतुं नथी, तेथी देह विशे ज आत्मबुद्धि एवी मिथ्या दृष्टि तेने रहे छे। ज्ञानीना स्वरूपलक्षी बोधनी सम्यक विचारणाथी ते मिथ्यात्व दूर थाय छे। मिथ्यात्व विरमण सम्यक्त्व भावना। हवे पछीनी प्रत्येक भावना जे प्रमाणे शरू करावामां आवे ते प्रमाणे बधा साथे लेशुं। हूँ कोण छूँ क्यांथी थयो शू स्वरूप छे मारू खरू कोना संबंधे वडगणा छे राखू के ए परहरू। हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय खरे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे। छू एक शुद्ध ममत्वहीन हूँ ज्ञान दर्शन पूर्ण छू ए मारही शीतली नए माँ शीघ्र कर मोक्षय करूं। अति ज्ञानवंत अनंत शक्ति दोषहीन आत्मशे ए म्यान थी तरवारवत देहादिति पण भिन्न छे। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुजथी बाह्य छे। चैतन्य ज्योति शरीरथी छे भिन्न केवळ आहो ते सर्वदा जयवंत हो। हूँ परतणो नहीं परन मारा ज्ञान केवल एक हूँ जे नित्य करता ने भोक्ता कर्मनो वड़ी मोक्ष पद मारू खरु सुधर्म मार्ग छे मोक्षनो। बीजू अविरति विरमण पांच इंद्रियों विषयों तेमज पर पदार्थ प्रत्येनी आसक्तिपूर्वकनी रुचिनी मलिनताथी जीव संसार में पर्यटन करे छे। जिनेश्वर देव प्रणीत तत्व वैराग्य ज बोधे छे, तेथी वैराग्य एज धर्मनु स्वरूप छे। वैराग्य एज जीवने अनंत सुख में लई जनार उत्कृष्ट भूमिओ छे। आथी त्याग वैराग्य अने संयम रूप विरति धर्मना अंगीकारथी आत्मा उज्जवलताने पामे छे। अविरति विरमण विरति भावना। वैराग्यादि सफल तो जो सहातम ज्ञान तेमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तणानी दान त्याग विरागन चितमा थायन तेने ज्ञान अटके त्याग विरागमा तो भूले निज भान। उपासना जिन चरणनी अतिशय भक्ति सही मुनिजन संगति रति अति संयम योग घटी गुण प्रमोद अतिशय रहे रहे अंतर मुख योग प्राप्ति श्री सदगुरु वडे जिन दर्शन विषय विकार सहित जे रह्या मति नायो परिणामनी विषमता तेने योग मंद विषयने सरलता रोक्या शब्दादिक विषय संयम साधन जगत इष्ट नहीं आत्मथी मध्य पात्र महाभाग नहीं तृष्णा जीव्या मरण योग नहीं क्षो महापात्र ते मार्गना परम योग जितलो। त्रीजू प्रमाद विरमण समय मात्र पण प्रमाद करवानी तीर्थंकर देवनी आज्ञा नथी। प्रमादने लीधे आत्मा मळेलू स्वरूप भूली जाय छे। अनंतकाळना पर्यटनमा कोई उत्कृष्ट पुण्यना प्रभावथी संसारी जीवोनी मुक्ति माटे एकांत हितकारी एवा सर्वज्ञ वितराग प्रणीत ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी रत्नत्रयने पामवा छता प्रमादने कारणे रत्न चिंतामणी जेवो आ मनुष्य देह निष्फळ जशे एम विचारी प्रमाद तजी जागृत बनी मोक्षना उपायरूप सुधर्मना सत्य पुरुषार्थमां अप्रमदपणे प्रवृत्त थवा ज्ञानीनी आज्ञा छे। प्रमाद विरमण अप्रमद भावना। ज्यां ज्यां जे योग्य छे तहां समझवू त्यां त्यां ते आचरे आत्मार्थी जनये रोके जीव स्वच्छंदतो पामे अवश्य मोक्ष पाम्याये महानंत छे बाक्यु जिन निरदोष जे कारण बंधना ते दशा मोक्ष पंथ भवन राग द्वेष ज्ञानये मुख्य कर्मणि ग्रंथाय निवृत्ति जेहति तेज मोक्षनो पन् आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभासरहित जेति केवल पामिये मोक्ष पंथ तेरी जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ भवसिति आदि नाम लय छेदो नहीं आत्मा निश्चय वाणी सांबड़ी साधन तजवानो निश्चय राखी लक्ष्मा साधन करवासो स्थानक पाच विचारिने छठे वरते जे पामे स्थानक पाचमु एमा नहीं संदेह। चौथू कषाय विरमण। कषाय परिणाम थी जीवने अनंत संसारनो अनुबंध थाय छे। क्रोध मान माया अने लोभनी पहली चोकड़ी ने अनंतानुबंधी कषाय थी ओळखवामां आवे छे। संसारी पदार्थों विषे भोगोपभोगनी तीव्र तृष्णा वासना विना कषाय न संभवे। कषायना उपशम विना आत्म स्वरूपनो विचार जीवथी यथार्थपणे थवो कठण छे। जेथी आत्मार्थी जीवो माटे कषायनी उपशांतता ए सर्वप्रथम कही छे। कषाय विरमण प्रशम भावना। नहीं कषाय उपशांतता नहीं अंतर वैराग सरळपणु न मध्यस्थता ए मताथि दुर्भाग स्वच्छंद मत आग्रह तजी वरते सदगुरुलक्ष समकित तेने भाखियु कारण गणी प्रत्यक्ष मानादिक शत्रु महा निज छंदे नमराय जाता सदगुरु शरण मा अल्प प्रयासे जाय कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्यात्मार्थ निवास दशा नएवी ज्यां सुधी जीव लहे नहीं जोग मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रोग कर्म बंध क्रोधादिति हणे क्षमादिकते प्रत्यक्षानुभव सर्वने एमाशो संदे मुखथि ज्ञान कथे अने अंतर छुट्यो नमो ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रो दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग होय मुमुक्षु घट विषे एह सदाय सुजाग। पांचमो योग विरमण। मनुष्य गति में त्रियोग एटले के मन वचन अने कायाना योगनु बळवानपणुं देह पर्यंत होय छे। योगनी चंचलता स्वरूपनी स्थिरता अने तन्मयतामां बाधारूप छे, जेथी ज्ञान दर्शन आदि नीज गुणना प्रबल उपयोगथी ते त्रिविध योगनी प्रवर्तनाने संक्षेप करी अंते नीज स्वरूपमां लीन करवाना हेतुथी देहमां ज स्थित छतां देहथी भिन्न स्व पर प्रकाशक परम ज्योति स्वरूप देहातीत एवा आत्म स्वरूपमां ज निमग्न थवानी ज्ञानीओनी देशना छे। योग देहाध्यास विरमण अशरीरी भावना। भास्यो देहाध्यासति आत्मा देह समान पण ते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षणे भान। भास्यो देहाध्यासति आत्मा देह समान पण ते बन्ने भिन्न छे जे मसीने म्यान। देह मात्र संयोग छे वड़ी जड़ रूपी द्रष्ट चेतनना उत्पत्ति लय कोना अनुभववश। देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। छूटे देहाध्यासतो नहीं करता तू कर नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मन। एज धर्मथी मोक्ष छे तू छो मोक्ष स्वरूप अनंत दर्शन शुद्ध बुद्ध चैतन्यगण स्वयं ज्योति सुखदा। बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। देह चता जेनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन अगणी। आवश्यक पांचमो कायोत्सर्ग। प्रतिक्रमण द्वारा आलोचित पाप अपराध અને અતિચાર દોષના નાશ અને કર્મક્ષય હેતુ હવે પ્રાયશ્ચિત રૂપે કાવસક તેમજ ક્ષમાપના કરવામાં આવે છે। चार लोगसनो काउसकधारी चाहिए। जा वरियंताणम भगवंताणम ताय कायम ठाणेणम मोणेणम जाणेणम अप्पाणम वो सिरामी लोगस उजोगरे धम्मतिथयरे जीणे अरिहंते कित्ते इस चौवीसंपी केवली उसभम अजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम सुमयम च पौंपम सुपासम जीणम च चंदपहम वंदे सुविंच पुफदंत सियल सीजंस वासुपूजन च विमलम अनंत च जीणम धम्मम संतिम च वंदामी कुंथु अरंच मलि वंदे मुनिसूव्यम नमी जीणम च वंदामी रिठ्ठनेमी पासम तह वधवाणम च एवमये अभिथुया विहुय रईमला पहिणा जर्मणा चौवीसंपी जीणवरा तिथयरा मे पश्यंतु कित्तीय वंदीय मया जे लोग सुतमा सिद्धा आरुग बोहिलाभम समाईवर मुत्तम दिंतु चंदेसु निमलैरा आई चेसु अयम पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदिसंतो लोगसौ जोगरे धमतिथयरे जीणे अरिहंते कित्तैस चौवीसंपी केवली उसभम अजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम सुमयम च पौपम सुपासम जीणम च चंदपहम वंदे सुविंच पुफदंत सियल सीजंस वासुपूजन च विमलम अनंत च जीणम धम्मम संतिम च वंदामी कुंथु अरंच मलि वंदे मुनिसूयम नमी जीणम च वंदामी रिठ्ठनेमी पासम त वधवाणम च एवमय अभिथुया विहुय रैमला पहिण जर्मणा चोविसंपी जीर्णवरा तीर्थयरा मे पश्यंतु कितिय वंदीय मया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरुग बोहिलाभम समायवर मुत्तम दींतु चंदेसु निमलैरा आयचेसु अयम पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममधि संतु लोगस उजोगरे धमतीर्थयरे जीणे अरिहंते कितैस चोविसंपी केवली उसभम अजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम सुमयम च पौपम सुपासम जीणम च चंदपम वंदे सुविंच पुफदंत सियल सीजन स वासुपूजन च विमलमणंत च जीणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंतु अरंच मल्ली वंदे मुनिसुव्यम नमि जीणम च वंदामि रिठ्ठनेमि पासमतः वधवाणं च एवमय अभिथुया विहुय रैमला पहिण जर्मणा चोविसंपि जीर्णवरा तीर्थयरा मे पश्यन्तु कीतिय वंदीय मय्या जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरुग बोहिलाभम समायवर मुत्तम दींतु चंदेसु निमलैरा आयचेसु अयम पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममधि संतु लोगस उजोगरे धमतीर्थयरे जीणे अरिहंते कित्तेस चोविसंपि केवली उसभम अजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम सुमयम च पौपम सुपासम जीणम च चंदपम वंदे सुविंच पुफदंत सियलसिजंस वासुपूजन च विमलमणंत च जीणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथु अरंच मल्ली वंदे मुनिसुवेम नमि जीणम च वंदामि रिट्टनेमि पासमतः वधवाणं च एवमय अभिथुया विहुय रैमला पहिण जर्मणा चोविसंपि जीर्णवरा तीर्थयरा मे पश्यन्तु कितिय वंदीय मया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरुग बोहिलाभम समायवर मुत्तम दींतु चंदेसु निमलैरा आयचेसु अयम पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममधि संतु चार लोगसनो कावसक कर्यो कराव्यो तेमां कानो मात्रा मींडू पद अक्षर गाथा सूत्र ओछू अधिक विपरीत भणायु गणायु हो तो अरिहंत अनंत सिद्ध केवड़ी भगवंतनी साक्षीए तस्मिच्छामि दुक्कडम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायणम नमो लोये सवसावणम एसो पंच नमुकारो सव पावपणासणो मंगलाणंच सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम नमो अरिहंताणम। क्षमापना हे भगवान, हूँ बहु भूली गयो। मैं तमारा अमूल्य वचनने लक्ष्यमां लीधा नहीं। तमारा कहेला अनुपम तत्वनो मैं विचार कर्यो नहीं। तमारा प्रणीत करेला उत्तम शील ने सेव्यू नहीं। तमारा कहेला दया, शांति, क्षमा अने पवित्रता मैं ओळख्या नहीं। हे भगवान, हूँ भूलियो, आथड़ियो, रजड़ियो अने अनंत संसारनी विटमना में पड़ियो छूँ। हूँ पापी छूँ। हूँ बहु मदोन्मत अने कर्म रचती करीने मलिन छूँ। हे परमात्मा, तमारा कहेला तत्व विना मारो मोक्ष नहीं। हूँ निरंतर प्रपंच में पड़ियो छूँ। अज्ञान थी अंध थयो छूँ। मारा में विवेक शक्ति नहीं अने हूँ मूढ़ छूँ। हूँ निराश्रित छूँ, अनाथ छूँ। निरागी परमात्मा, हूँ हवे तमारू, तमारा धर्मनु अने तमारा मुनिनु शरण ग्रहूँ छूँ। मारा अपराध क्षय थई हूँ ते सर्व पाप थी मुक्त थऊँ ए मारी अभिलाषा छे। आगळ करेला पापोनो हूँ हवे पश्चाताप करूँ छूं। जेम जेम हूँ सूक्ष्म विचारथी ऊंडो उतरूँ छूं तेम तेम तमारा तत्वना चमत्कारो मारा स्वरूपनो प्रकाश करे छे। तमे निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी अने त्रैलोक्य प्रकाशक छो। हूँ मात्र मारा हितने अर्थे तमारी साक्षीए क्षमा चाहूँ छूं। एक पळ पण तमारा कहेला तत्वनी शंका न थाय। तमारा कहेला रस्तामा अहोरात्र हूँ रहूँ ए ज मारी आकांक्षा अने वृत्ति थाओ। हे सर्वज्ञ भगवान, तमने हूँ विशे शू कहूँ? तमाराथी कई अजाण्यु नथी। मात्र पश्चातापथी हूँ कर्मजन्य पापनी क्षमा इच्छू छू। ओम शांति शांति शांति। खामे मी सव जीवे सवे जीवा खमन्तु मे मिति मे सव भूयेषु वेरमजं न केणयि। आवश्यक छठ्ठुं प्रत्याख्यान। भाव प्रतिक्रमण करनार दरेक मुमुक्षुए यथाशक्ति चोवियार के तिवियारनु धारणा मुजब पचकाण लेवुं। पचकाण पाठ सहजात्म स्वरूप परम गुरु धारणा अभिग्रह दिवस चर्मीम पचकामी चौव्यम्पी आहरणम दिव्यम्पी आहरणम असणम पाणम खायम सायम अनत्थना भोगेणम सहस्रागारेणम महत्रागारेणम सवस्वमायवत्यागारेणम वोसिरामी नमो अरिहंताणम। सामायिक संपन्न सूत्र सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हे परम कृपाळु देव, आपनी अनंत कृपा ने परम अनुग्रह थी सर्व पाप अपराध अने अतिचार दोषनी आलोचना तथा क्षमापना हेतु सामायिक सहभाव प्रतिक्रमणनो अमारो संकल्प संपन्न थयेल छे। सर्व प्रकारना अशुभ कर्मनो नाश करनार सामायिक व्रतनी आ आराधनामां मन वचन के कायाना योगथी जाणता के अजाणता चिनाग्ना विरुद्ध कोई आशातना विराधना के अविधि दोष थयेल होय ते सवी आपनी साक्षीए खमावुं छुं। वारंवार मिच्छामि दुक्कडम अमारा ते सर्व दोष अने दुष्कृत्यो मिथ्या थाओ। ओम शांति। नमस्कार महामंत्र धर्म मंगल चार भावना चार शरणास्तुति अंतिम भावना सौ साथे लेशु। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयरियाणं ओम नमो वजायाणं ओम नमो लोये सवसा हरि हा शरणं मुझने हो सब संतन की जय। जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम। हवे पछी 5 मिनिटना विराम बाद भक्ति शुरू थाशे अने त्यारबाद स्वाध्याय रहेशे। श्रीमद राजचंद्र ज्ञान मंदिर में 12 महीना 365 थी